Hey guys, welcome to our channel. So, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि पूरी कंट्री में आप कहीं भी जाते हो तो वो आपको चाहिए ही चाहिए, right. उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल सकता. That is what? Banking in Canada, which is different from banking in India. Especially जब आप नए आते हो तो आपको बहुत डिफरेंस फील होता है. तो वो क्या क्या डिफरेंसेस है? हमें तो बहुत डिफरेंस फील हुआ. मतलब हम तो ऐसा हो गया था कि यार बस, हाँ मतलब हम उसी में इतने परेशान हो गए थे. तो वो क्या क्या स्ट्रगल्स हैं जो आपको ना हो जब आप कनाडा आओ, जो कि हमें हुए, तो वो हम आपको बताने वाले हैं ताकि आपके लिए बैंकिंग प्रोसेस स्मूथ रहे. ठीक है, तो चलो शुरू करो. पहली चीज है यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम, हाँ. जो कि इंडिया में तो कभी ली नहीं होगी, हाँ. आपने ना हमने ली थी, हाँ. तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए ही चाहिए. मतलब अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के जा रहे हो तो मान के चलो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टाइम वेस्ट ही होगा, नोबडी इज गोना अटेंड यू. तो अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो ऑनलाइन पहले अपॉइंटमेंट लो या फिर उनको कॉल कर लो. नॉर्मल जो भी टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर नंबर होगा उस पर कॉल करो और अपॉइंटमेंट बुक करो. जिस भी दिन का अपॉइंटमेंट आपको अर्लीस्ट मिले आपकी नियरेस्ट ब्रांच में वो ले लो. अब हमारे टाइम तो जैसे 20-20 दिन बाद मिल रहा था, बट वी वर लकी कि हमें बैंकों में हमें जाके अपॉइंटमेंट मिल गई थी, हाँ. और हमें ऑन द स्पॉट उन्होंने अटेंड कर लिया था. पर ये ऑब्वियस है हर टाइम नहीं होगा ऐसा. और ये भी हमारे साथ बहुत दिन के बाद हुआ था. मतलब हमारे शायद 2 हफ्ते तो ऐसे ही वेस्ट हो गए शुरू के. हमें इतने चक्कर काटे बट बैंक में किसी ने अटेंड नहीं किया. सबने बोला सर अपॉइंटमेंट लो, हम अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं. अपॉइंटमेंट जब बुकिंग करते थे तो ऐसे 20-25 दिनों बाद की आ रही थी. तो रेकमेंडेड ये है कि आप अपॉइंटमेंट एडवांस में बुक करो. इनफैक्ट आप इंडिया सॉरी कनाडा आने से पहले भी आप इंडिया से अपॉइंटमेंट बुक करके आ सकते हो. आपको पता है आप इस दिन लैंड हो रहे हो तो आपने जिस भी बैंक में आपको है रिसर्च कर लो पहले, जहाँ भी अकाउंट खुलाना है ठीक है, पहले से उसका अपॉइंटमेंट लेके रखो ताकि आपको आके वो वाला टाइम आपका वेस्ट ना हो. या आपका कोई फ्रेंड बुक कर सकता है जो यहाँ पे, हाँ. अब दूसरी चीज है हमारी टाइप्स ऑफ अकाउंट. कितने अकाउंट्स हैं यहाँ पर, कितने टाइप्स के? अब जैसे इंडिया में तो करंट अकाउंट होता है और सेविंग अकाउंट होता है, यहाँ भी वैसा ही है. यहाँ पे एक है चेकिंग अकाउंट और आपका सेविंग अकाउंट. लेकिन डिफरेंस क्या है? इंडिया में करंट अकाउंट नॉर्मली बिजनेसमैन जितने होते हैं उनके पास होते हैं, क्योंकि उनकी डेली ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उनका इनफ्लो आउटफ्लो मतलब बहुत है. अदरवाइज कोई भी सैलरीड पर्सन है या कोई भी नॉर्मल पर्सन उसके अलावा सब सेविंग्स अकाउंट खुला के रखते थे, ठीक है. मतलब करंट के बारे में तो सोचते ही नहीं थे कि अच्छा करंट को भी कंसिडर करना है. तो सेविंग्स अकाउंट में क्या होता था, अपनी सारी ट्रांजेक्शन उसी से हो जाती थी. अपना बैलेंस पड़ा हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, वहीं से हमने पेमेंट कर दिया, उसी में किसी से आना है तो आ गया, उसी में सैलरी आ गई, सब उसी से हो जाता था. बट यहाँ क्या है, आपको सेविंग्स में वो सारा काम नहीं करना, आपको करना है चेकिंग अकाउंट. चेकिंग अकाउंट तो आपकी जो सैलरी आएगी वो चेकिंग अकाउंट में आएगी और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं आपको, मतलब 0% है उसमें. वो अगर 50,000 70,000 $1,00,000 भी उसमें पड़ा तो वो एज इट इज पड़ा, आपको कोई उसका मुनाफा नहीं होगा, वो सिर्फ आपको सेविंग अकाउंट में मिलेगा, हाँ. पर यहाँ पे सेविंग अकाउंट का भी इंटरेस्ट आप अगर आप सुनोगे तो आपके होश ही उड़ जाने हैं. तो उसका क्या है कि 1-2% खींच के, वो भी अगर कोई बैंक दे रहा हो, अदरवाइज कुछ नहीं. ऊपर तो अभी तक हमको नहीं मिला, ठीक है. कोई मतलब सौभाग्य होगा आपको अगर उससे ऊपर आपको इंटरेस्ट दे. अब इंडिया में क्या है कि आपको 6-7% मिल जाता है ना, प्राइवेट बैंक दे देते हैं, पर यहाँ पे आपको कोई नहीं इतना देगा. इंडिया में भी मिनिमम 3.5% तो हर बैंक का ज्यादातर रहता ही है, पर यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है. मतलब 1% का आप क्या करोगे, वो तो कंसिडर भी नहीं होगा. और फिर यहाँ पे है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, इंडिया में आपको लिटरली बड़ी मेहनत लग जाती है उसके लेने के लिए, क्योंकि वो आपके आना पहले सारा सिबिल चेक करते हैं, फिर आपका बैकग्राउंड चेक होता है, फिर आपके जॉब के रिगार्डिंग होता है, बहुत कुछ होता है इंडिया में, हाँ. पर आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऐसे हाथों में दे देते हैं, ले जाओ. मतलब और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर आपको कुछ भी करना है, आगे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको जो लोन इशू होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, और क्रेडिट हिस्ट्री के लिए आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तभी तो बनेगी.
तो मेक श्योर कि जब भी आप अकाउंट खुलाओ तो हर बैंक यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के टाइम क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करता है, ठीक है। अब वो चाहे उनका खुद का है या वो थर्ड पार्टी से इशू है, जैसे भी है, पर अकाउंट ओपनिंग के टाइम मेक श्योर कि आप क्रेडिट कार्ड भी इशू करा लो, डिपेंडिंग ऑन जितने भी लिमिट आपको इशू हो रही है, ठीक है, उसी टाइम बन जाएगा आपका। हाँ, जैसे रोज के रोज ट्रांजेक्शन है, वॉलमार्ट जा रहे हो, शॉपर स्टॉप जा रहे हो, तो छोटी मोटी जो शॉपिंग आप उसके थ्रू करो ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बने, बट मेक श्योर कि आप उसकी पेमेंट टाइमली कर दो, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दो, वरना आपका लॉस बहुत होगा। हाँ, मतलब अगर आपने डिले कर दिया, ड्यू डेट चली गई, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा बहुत बुरी तरह, और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बड़ी दिक्कत बन सकता है। और जब आप अकाउंट खुलाओगे तो ऑब्वियसली ये तो हमने बता ही दिया चेकिंग, लेकिन क्या है कि सेविंग्स अकाउंट भी साथ के साथ खुल जाएगा, तो अगर आपके पास कुछ सरप्लस अमाउंट है वो आप सेविंग्स में ट्रांसफर कर सकते हो। बट मेक श्योर यहाँ क्या है, दोनों अकाउंट्स पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे, नंबर ऑफ विड्रॉल्स पे, जो आप एटीएम से विड्रॉ कर रहे हो वो चेकिंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड है। बैंक टू बैंक वेरी करेगा कौन बैंक कितना अमाउंट पे कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्री अलाउ कर रहा है, तो उससे एक्सीड नहीं करना, और सेविंग से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, वो तो बिल्कुल नो है। अदरवाइज उसका फाइन भी लगता है, उसके ना चार्जेस भी लगते हैं। अगर आप सेविंग से जैसे वॉलमार्ट जा रहे हो तो आपके सेविंग से ही पेमेंट करते हैं। अब आप जैसे वहां पे आना POS मशीन में आना अपना कार्ड डालते हो तो वो पूछता है कि आप चेकिंग से पेमेंट करना चाहते हो या सेविंग से करना चाहते हो। और अगर आपने बाई चांस सेविंग कर लिया, जैसे हम यूज टू होते हैं सेविंग के, और माइंड में भी नंबर ऐसा होता है सेविंग सेविंग सेविंग, तो आपने अगर सेविंग से उसकी पेमेंट कर दी तो आपके वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, और मिनिमम $5 तो है ही एक ट्रांजेक्शन में, चाहे $2 की ट्रांजेक्शन हो $5 का फाइन, बाकी वो बैंक टू बैंक वेरी करता रहता है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट। सपोज कि आपके यहाँ चेकिंग अकाउंट में आपके पास $15 है और आपने वॉलमार्ट में गलती से शॉपिंग $17 की कर ली, $20 की कर ली, आपको नहीं ध्यान रहा, और पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट रिजेक्ट नहीं होगी, बट वो क्या है कि अब ओवरड्राफ्ट में कंसीडर हो जाएगी, आपके ओवरड्राफ्ट लिमिट में से $5 या $3 कटेंगे, अब उसका आपको चार्ज लगेगा फाइन। तो मेक श्योर कि आप वो भी ध्यान रखो कि आप ओवरड्राफ्ट में ना ही घुसो तो बेहतर है, ताकि एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे। बट हाँ, कभी कभार इमरजेंसी में वो लिमिट काम भी आ जाती है, ठीक है। बट अब हाँ, उसमें क्या है कि ना, जैसे बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक वाले पूछते हैं कि हम ओवरड्राफ्ट में आपके $50 या $100 डलवा के रख दें। हाँ। अब उसका पर्पस यही है कि आपको फाइन ना लगे, तो आप ये डलवा के भी रख सकते हो कि भाई चलो मैंने $100 डलवा के रख दिया, अब केवल नहीं ध्यान आता कि चेकिंग में आपका कितना बैलेंस है और आपने पेमेंट भी कर दी, तो वो फिर आपको फाइन नहीं लगेगा उस केस में। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है या नहीं लेनी है वो आप पर डिपेंड करता है, उसके यूजफुलनेस भी है और नहीं ली तो उसके चार्जेस भी है, तो अपनी मर्जी से करो अपने रिस्क। अब आप यहाँ पे एज अ न्यू कमर आ रहे हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या है ना कि नए आते हैं तो ऑलमोस्ट सारे बैंक्स वैसे कोई ऑफर नहीं है, बट न्यू कमर्स के लिए स्पेशली ऑफर्स हैं। फॉर एग्जांपल द बैंक क्या है, एक साल के लिए या दो साल के लिए आपका जो मंथली एनुअल जिसका जो भी क्राइटेरिया है वो आपकी वेव ऑफ कर देता है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कुछ कंसेशन मिल जाता है, या फिर जो आपका सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स आप ले सकते हो उस पर भी आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, वो भी आपको जैसे कुछ बैंक जो है वो पूरे 2 साल के लिए फ्री देते हैं, कुछ बैंक 1 साल के लिए फ्री देते हैं, और उसके अलावा आपके पास कुछ कैशबैक ऑफर्स भी हैं। वो जैसे कि कोस्ट कैपिटल बैंक है, आपको $500 देता है अगर आप उनका ना जो क्राइटेरिया कंडीशन है वो फुलफिल कर दो। CIBC है, वो आपको नियर अबाउट $350-$400 देता है अगर आप उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, BMO है, मतलब सब कुछ ना कुछ आपको देते रहते हैं, और ये टाइमली चेंज होता रहता है, तो आप उसका भी ध्यान रखो। जब भी बैंक अकाउंट खुलवाओ पहले नेट पे रिसर्च कर लो किस बैंक अकाउंट में खुलवाना है। अगर आपको ये $400 या एज अ कपल आपको $800 मिल रहा है वो कंडीशन फुलफिल करके, बुरा क्या फिर, आपका रेंट या ना ग्रोसरीज के बिल ही निकल रहे हैं उसके। और उनकी कंडीशंस में मोस्टली क्या रहता है, एक तो डायरेक्ट डिपॉजिट और दूसरा रहता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब डायरेक्ट डिपॉजिट क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट है कि या तो डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयर से आ रहा है या फिर पेंशन आ रहा है या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्ट आपके अकाउंट में कोई डिपॉजिट। अब ये नहीं है कि आपने गए और वहां पे है ना पैसे डलवा दिए, भाई मेरा डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया। तो ये सिर्फ जो 3 conditions है इसी केस में वो डायरेक्ट डिपॉजिट मानते हैं, अदरवाइज वो नहीं कंसीडर किया जाता। और कंडीशन फुलफिल कीजिए तो आपको पैसे मिल जाएंगे उनके। अब एक
और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में, वो है चेकबुक का। अब इंडिया तो वो तो फ्री होती है, यहाँ नहीं होती है। यहाँ नहीं होती है। अब इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं या ब्रांच में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमको चेकबुक इशू हो जाती है। और अब एज मेनी एज चेक आप जितने भी चाहो आप इशू कर सकते, फेंको काटो फेंको। हाँ मतलब अगर खराब हो गया, गलत हो गया, ये पड़ गया, तो हम नॉर्मली मैंने बहुत काटे हैं, मतलब मैंने काटा मुझसे हो जीरो गलत पड़ गई कुछ हो गया तो मैंने ना फिर उसे फाड़ा। हाँ। बट यहाँ पर क्या है कि आपको चेक बुक इशू कराने के भी चार्जेस हैं और एक एक चेक इशू करने के भी चार्जेस हैं, और उसमें जो आपका वो जो चेक अगर कोई गलती से वेस्ट हो गया ना तो वो भी काउंट होता है। तो इतना इजीली आप यहाँ चेक इशू नहीं कर सकते हो, हर एक चेक आपको डॉलर लेके जाएगा। अब जैसे हमने अपने जब आदत होती है कि ना जैसे एज ए इंडियन हम, मैंने बोला कि भाई अकाउंट खुला तो मैंने बोला कि हमें चेकबुक भी चाहिए। वो कहते क्या करनी, मैं कहा ठीक है होनी चाहिए हमारे पास, कोई भी पर्पस काम आ सकती है। कहते सर कोई काम नहीं आएगी, अगर आप काम ले भी रहे हो किसी भी पर्पस से तो आपका ना फाइन भी पड़ेगा, मतलब वो चार्जेस लगेंगे आपको। तो कहते हैं ना मैं ये सजेस्ट करूंगा आप मत लो, आपको चेकबुक जरूरत पड़ेगी अगर तो आपकी कंपनी, आप किसी को पे कर रहे हो, या दूसरी बात जब आप अपना मॉर्गेज पे करोगे या घर लोगे तब ये सब की पड़ेगी, बट इनिशियली आपको चेकबुक की कोई जरूरत नहीं है तो आप मत ही यूज करना। अगर आपको किसी को अमाउंट ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे है इंटरेक्ट सर्विस। अब क्या होता था जैसे हम जब इंडिया में करते थे तो हमको नॉर्मली बेसिक डिटेल्स जो है, नाम चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए और बैंक का नाम चाहिए, अकाउंट नाम चाहिए, बहुत कुछ रहता मतलब है ना, तीन चार चीजें होती थी वो आपको एसेंशियल्स हैं वो चाहिए ही है। यहाँ पर क्या है इंटरेक्ट सर्विस में आपको सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए, और अगर एक ईमेल आईडी में अगर सपोज जैसे अपने तीन चार अकाउंट होते हैं किसी किसी के लिंक, तो फिर उसमें क्या, तो अगर जैसे आपके यहाँ ना एक या ना ईमेल आईडी से तीन बैंक अकाउंट्स है तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने इसे पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैंने इसका ईमेल आईडी करूंगा बाद में, तो मैं इसे ना ईमेल आईडी में ना भेज दिया, जैसे $50 मैंने भेज दिए तो मैंने इसे स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैंने किस रीजन से भेजा है तो मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर लिख के इसे भेज दूंगा। तो जैसे ही अपनी मेल आईडी खोलेगी ये वो वहां पे सिक्योरिटी आंसर टाइप करेगी, फिर ये सिलेक्ट करेगी कि इसे अपने कौन से बैंक में वो पैसे चाहिए। हाँ। तो उस बैंक में वो चले जाएंगे चेकिंग में। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि अकेले ईमेल आईडी से जा रहा है पर सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी क्वेश्चन के साथ आप उसको भेज रहे हो, तो ना इसे बहुत कुछ याद रखना है ना मुझे बहुत कुछ याद रखना है और आपके पैसे भी चले गए। और उसके अलावा अब उसमें क्या है कि आप, अब एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि आप इंडिया में जाते हैं हम तो है ना काफी सारे फॉर्म्स भरते हैं, काफी सारे डिटेल्स बताते हैं, आपको कुछ भी करवाना है, यू नो बैंक डिपॉजिट्स करवाने हैं, विड्रॉल्स करवाने हैं, आपको एड्रेस चेंज कराना है, फोन चेंज करवाना, आपको पहले सारी डिटेल्स देनी पड़ती है बैंक वालों को, फिर आपका वो प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पे क्या है कि आप सिर्फ डेबिट कार्ड लेके जाओ, अपना डेबिट कार्ड वहाँ पे टैप करो, अपना पिन भरो, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप यू गुड टू गो, आप कोई भी सर्विस ले सकते हो। और ये सर्विसेज सारी आपकी ऑनलाइन ऐप में भी अवेलेबल हैं, आपको एड्रेस चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है तो आप उस पर भी कर सकते हो, अदरवाइज बैंक में भी आपको एज सच फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। और एक और बात ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप सबको जहाँ पे फर्स्ट टाइम बैंक में जा रहे हो और आप देखोगे कि अच्छा मुझे ये सर्विस लेनी है तो इस चीज़ का काउंटर कहाँ है, इस चीज़ का, बिकॉज इंडिया इंडियन बैंकिंग सिस्टम में नॉर्मली काउंटर्स लेबल्ड होते हैं और हर सर्विस के लिए अलग अलग काउंटर्स होते हैं, पर यहाँ आपको क्या होगा एक कॉमन क्यू होगी, जिस भी काउंटर पर आपका नंबर आ रहा है लाइक कोई भी आपको वही अटेंड करेगा और सारी सर्विस आपको मिलेगी। तो एक लाइन में आपको खड़ना है यहाँ पे जाके और आप कोई भी सर्विस वहां से ले सकते हो, बट अगर अकाउंट खुलवाना है तो मेक श्योर आप अपॉइंटमेंट लेकर ही जाओ और इंडिया से ही लेकर आओ। हाँ, एडवांस में अपॉइंटमेंट लो, जैसे आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी देखा जैसे आईसीबीसी नॉलेज टेस्ट के रिगार्डिंग, हमने उसमें भी यही सजेस्ट किया कि इंडिया से ही लेके आओ, आपका लिटरली बहुत टाइम वेस्ट बचता है, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, हमने दो दो हफ्ते तीन तीन हफ्ते हमें नहीं अपॉइंटमेंट मिली, वी वर लकी इन दैट केस बाद में, पर तीन महीने हफ्ते तो हमारे वेस्ट हुए हैं लिटरली। तो आप अपना मत वेस्ट करो, आपको हम बता रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना, इसी नाम पे ये वीडियो काफी लोगों के साथ आप शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ये हमारा जो भी है सारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑब्वियस है पर्सनल एक्सपीरियंस तभी आता है जब आप कुछ वेस्ट करते हो, कुछ गेन करते हो, फिर आप बताने लायक होते हो, तो आपको वो वेस्ट ना करना पड़े इसलिए वीडियो देखो, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
बस इतना काफी है। बाकी इंजॉय करो लाइफ यार, कनाडा आ रहे हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, लाइफ इंजॉय करो, घर वालों से प्यार करो और मस्त रहो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। टाटा।